वेलकम टू माय चैनल नीतूस गार्डन। तो आज मैं आपको जूही के प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगी कि इस प्लांट की केयर कैसे करनी है, कौन से सीजन में आपको इसको लगाना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। जूही का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, ये पूरा साल रहता है, बहुत अच्छा प्लांट है। लेकिन ये फूल जो देता है ये अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और बीच बीच में भी एक दो फूल निकलते रहते हैं। लेकिन इसका गोल्डन जो पीरियड होता है फ्लावरिंग जो ये पीक पे करता है, पीक पे फ्लावरिंग ये करता है अक्टूबर से लेके फरवरी मतलब अप्रैल तक। आप देख ही सकते हैं कि मेरे प्लांट ने कितनी अच्छी फ्लावरिंग की है, ये देखिए। अब मैं आपको ये भी टिप्स बताऊँगी कि ये इतना बुशी कैसे हो गया है। इसको बुशी करने का बहुत ही आसान तरीका है, और ऐसी क्या खाद डालनी है कि जिससे ये रेगुलर बेस पर फूल देता रहे। क्योंकि जूही के फ्लावर को प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, हैवी फीडर प्लांट होता है ये। और जिस समय ये फ्लावरिंग कर रहा होता है उस समय तो इसे ज़्यादा ही फीड करना होता है फीड। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी इसको बुशी कैसे करना है, और इस प्लांट की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है जो आती है। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम इसमें ये होती है, ये आप लीव्स देख रहे हैं, ये ऐसी हो जाती हैं पुरानी। जितनी भी इस तरीके की पुरानी लीव्स होती हैं इन्हें आपको रिमूव करना होता है, हटाना होता है। जितना ज़्यादा आप इन पत्तियों को हटाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्लांट बुशी भी हो जाएगा। इस लीव के यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, हर एक पत्ती के पास से एक नई ब्रांच निकलती है, तो उसी तरह से ये पूरा बुशी होता चला जाता है। ये देखें, आप देख ही सकते हैं ये छोटी छोटी सारी ब्रांचेस निकल चुकी हैं, और मैं इसकी सारी जितनी भी ये पुरानी लीव्स होती हैं सब मैं हटाती रहती हूँ टाइम टाइम पर। ये देखिए, इसको ऊपर से जितना आप पत्तियाँ हटाएंगे ये ऊपर से उतना बुशी होता चला जाएगा, और नीचे नीचे जैसे आएंगे, मैंने इसको नीचे से भी, ये मेरा पूरा नीचे से भी बुशी है, और फ्लावरिंग तो ये पीक पे कर ही रहा है। तो चलिए अब इसको बताऊंगी मैं आपको कि कौन से गमले में। सारे अपने जो भी अच्छे परमानेंट प्लांट होते हैं उन्हें मैं एक मिट्टी के गमले में ही लगाती हूँ, और ये मेरा पॉट जो है ये 12 इंची का गमला है, क्योंकि इस प्लांट को बढ़ने के लिए जगह चाहिए। और ये प्लांट मेरा एक साल का हो चुका है, आप देख ही सकते हैं कि मेरा एक साल का प्लांट कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो मिट्टी में लगाइए आप इसको, और इसके अंदर वो डालना है आपको कंपोस्ट, वो बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा आप इसके अंदर गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको आपको ये बताऊँगी कि इतनी ज़्यादा इस फ्लावरिंग लगाने के लिए आप इसमें सीवीट और DAP दोनों का एक एक चम्मच डालिए, हल्की सी गुड़ाई करके डालना है, साइड साइड में डालना है, जैसे हल्की हल्की गुड़ाई करके इसकी इस तरह से गमले की गुड़ाई करके फिर इसके अंदर आपको किनारे किनारे साइड में डालना है, बिल्कुल पेड़ की इससे जड़ से टच करके नहीं डालना है, वरना ये पूरा पेड़ आपका डैमेज हो सकता है प्लांट। तो साइड साइड में आपको इसके अंदर DAP और एक चम्मच सीवीट डालना है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और डालना कितना आपको वो DAP और सीवीट महीने में एक बार डालना है, और हर महीने आपको इसी तरह फीड करना है। तो इसमें रेगुलर बेसिस पे ही आपका प्लांट इस तरह से ही फ्लावरिंग करता रहेगा। और पानी कैसे देना है, पानी देना है जब भी जब गमला सूख दे जाए। देखिए, अब मेरे गमले को देख ही सकते हैं, ये देखिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और अब मैं इसमें आज इसमें पानी ज़रूर दूँगी क्योंकि अब मिट्टी सूख चुकी है। और ज़्यादा इसको पानी से भर के नहीं रखना है, अगर आप ज़्यादा इसे पानी से भर के रखेंगे तो आपकी जितनी भी ये पत्तियाँ हैं ये ब्राउन होकर गिरना शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा पानी नहीं, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, और इसे सनलाइट में रखना है, सनलाइट को इसको बहुत ज़रूरत है तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और ये देखिए, मेरा सनलाइट में ही रखा है, विंटर में तो आपको पता ही है कि सनलाइट बहुत ही कम होती है, और जहाँ पर अच्छे से सनलाइट आ रही हो आप इसे वहीं रखिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा ये। और जितनी भी आपको मैंने बताई है जितनी भी ये पुरानी पत्तियाँ आप सारी हटाते रहिए, जितनी ज़्यादा आप ये पत्तियाँ हटाएंगे उतना ही अच्छा आपका प्लांट चलेगा, बुशी हो जाएगा, फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है, 25 में फूल खिलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और इसका एक फूल 2 दिन तक लगा रहता है। और नीचे भी मेरे गिरे हैं, आप देख सकते हैं ये नीचे मेरे फूल गिरे हैं, ये देखिए, क्योंकि अब विंटर आ चुकी है तो विंटर में तो ये काफ़ी बहुत दिनों से ऐसे गिरे हैं, मुरझाए नहीं है। मैं रोज़ थोड़े तोड़ भी लेती हूँ, पूजा में यूज़ करती हूँ उनको। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।